हमारे पास 12 मरीज़ लाए गए हैं, जिसमें कि 4 मरीज़ सीरियस थे, क्रश इंजरी थी। तो एक मरीज़ का पैर काटने के बाद एम्पुटेशन ओटी में ले जाके प्रॉपरली एम्पुटेशन करने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया फॉर वैस्कुलर सर्जरी एंड ऑल। बाकी 3 मरीज़ जो थे उनकी हेड इंजरी थी, तो यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद विद बेस्ट ट्रीटमेंट ALS एम्बुलेंस के साथ उनको लखनऊ रेफ़र किया गया है फॉर बेटर एंड फर्दर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास न्यूरो फिजिशियन यहाँ पर नहीं है, तो न्यूरो फिजिशियन की राय के लिए इनको लखनऊ KGMC ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। गंभीर मरीज़ हमारे पास जो 2 आए थे शुरू में, जिनको बारे में कोई जानकारी नहीं थी वो कौन है, बाद में पता चला है कि एक राहुल साहब हैं जिनका पैर काटा गया, जिनकी क्रश इंजरी थी। क्रश इंजरी मतलब पूरा उनका पैर ही क्रश हो गया था, तो एक मजबूरी होती है तो उसको एम्पुटेशन किया गया, जो एक का प्रोटोकॉल है ओटी के अंदर, और करने वाले डॉक्टर अतुल सिंह और डॉक्टर PN सिंह हमारे ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं। उनके द्वारा एम्पुटेशन करने के बाद, पेशेंट को मैनेज करने के बाद, उसको हायर सेंटर लखनऊ वैस्कुलर सर्जरी के लिए भेजा गया। 12 घायल मरीज आ चुके हैं, जिसमें 4 सीरियस थे, 4 को प्राइमरी के बाद लखनऊ भेजा गया, 8 हमारे पास एडमिट हैं। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई सीरियस ग्रीवियस इंजरी इनके साथ नहीं है, दे आर स्टेबल एट ऑल। पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा जो की गई है, गंभीर मरीज़ को भी करते हुए लखनऊ रेफ़र किया गया, और जो मरीज़ हमारे पास एडमिट हैं उनकी भी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, ENT स्पेशलिस्ट, और सब के सब पूरी टीम, CMS साहब, प्रिंसिपल साहब, मैं, सब लोग लगे हुए हैं, कहीं से कोई परेशानी की बात नहीं।